Morning. आज आपके बीच में आने का उद्देश्य कई सारे हैं कई लोगों की मांग भी थी कि आपके बीच में आए जाए और आकर के एक जो प्रेजेंट सिचुएशन है बीपीएससी सिक्सटी सिक्स पीटी के रिजल्ट के बाद तो उस सिचुएशन को एनालाइज करना इसके लिए कई लोगों की मांग भी थी और उसी अदरवाइज बहुत इच्छा तो नहीं हो रही थी आपके बीच में आने की इस तरह का अभी बीपीएससी सिक्सटी सिक्स पीटी के रिजल्ट के बाद क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो सफल हुए हैं वो बहुत क्षमतावान हैं और उनको बहुत बहुत बधाई छियासठ मेन्स के लिए और वहाँ पर भी जो जो क्वालिफाई किए हैं करीब 9000 लोग जो तो उनके लिए क्या संभावना है उनको कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए वहाँ पर मुझे क्या लगता है मैं अभी उसकी चर्चा करता हूँ लेकिन मुख्य रूप से जो लोग असफल हुए हैं उनके प्रति संवेदना अधिक है उनके प्रति उनके लिए दुख अधिक है चूंकि कट ऑफ इतना बीपीएससी के इतिहास में हमें नहीं लग रहा है कि कभी इतना कट ऑफ गया हुआ है कि लड़कियों का कट ऑफ हंड्रेड पर जाए ये अनएक्सपेक्टेड था एक सौ आठ जेनल का कट ऑफ जाए ओबीसी का कट ऑफ एक सौ चार जाए एक सौ तीन एक सौ तीन जाए एक सौ चार जाए एक सौ चार जाए जो ई डब्ल्यू एस हैं उनका कट ऑफ एक सौ तीन जाए इस तरह के कट ऑफ़ की उम्मीद कभी नहीं थी और वो भी नॉर्मल कंडीशन में कोई ऐसा नहीं पेपर बहुत कहा जाए कि आसान नहीं था पेपर नॉर्मल बी का पेपर ऐसा ही आता है तो लेकिन फिर भी सो मस्ट मस्ट गो ऑन सो जारी रहना चाहिए अप डाउंस बी पी में होते रहते हैं और मैं इस बात का इस बात के लिए कई बार वीडियो में हमने बोला भी है कि देखो बी एक गोल्डन बी का एक गोल्डन टाइम चल रहा है गोल्डन टाइम में आप अपने लिए एक नौ एक पी में एक पोस्ट अपने लिए जरूर ले लीजिए क्योंकि कब सिचुएशन बदल जाएगा इसका कोई इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता कब कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता जैसे मान लीजिए इस बार कट ऑफ आगे पता चला कभी सिलेबस अगर चेंज हो गया तो जैसे बाकी ये स्टेट पी हैं उस तरीके का सिलेबस हो गया तो फिर बी थोड़ी मुश्किल हो जाएगा ये जो आसान दौर एक चल रहा है छप्पन उनसठ साठ बासठ तिरसठ चौंसठ पैंसठ छियासठ और अब सड़सठ का तो इतने सारे एग्जाम जब सामने से होकर के किसी के अगर गुजरे हैं तो मैं यही बार बार एक बात बोलता रहा हूँ कि आप इसमें से ये जो अवसर आपके आँख के सामने से गुजर रहे हैं इनमें से एक अपना बेस्ट ऑफ एफर्ट सारे सब संसाधन संसाधन से लेकर के अपनी एनर्जी एस्पिरेशन सब कुछ जोड़ करके एकमुलेट करके आप इसमें से अपने लिए एक अपर एक अवसर अपने लिए जरूर निकाल लीजिए नहीं तो सिचुएशन कभी भी चेंज हो सकता है अभी जैसे इस बार हुआ किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि 108 सौ आठ कटअ जाएगा अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्यों कट ऑफ ऐसा हुआ तो उस पर चर्चा करते हैं लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आज जो मैं चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूँ वो कुछ सबसे पहले तो भाई स्वाभाविक सो, सो, रूप से है जो विजेता हैं जो सक्सेसफुल हैं वो सिकंदर हैं इसमें कोई दो राय नहीं है और उनको बीपीएससी 66 मेंस छियासठ का एग्जाम देने का उनको अवसर प्राप्त हो रहा है इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई पहले भी बधाई हमने दिया फिर बधाई दे रहा हूँ लेकिन अब ये जो बधाई है उस बधाई को एक अवसर के रूप में बीपीएससी 66 मेंस छियासठ क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए जाने के लिए आप क्या करेंगे तो एक तो हमारे जो आज जो चर्चा का विषय है उसमें एक है बी पी एस मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आने वाले दिनों के लिए तो एक तो ये हमारे लिए है स्ट्रेटजी इसकी चर्चा करेंगे एक सेकंड है कि बीपीएससी पी पीटी सिक्सटी सिक्स में जिनका नहीं हुआ ठीक है ये नहीं हुआ है उनके लिए क्या अब आगे का रोडमैप उनके लिए क्या होगा नहीं हुआ उनका आगे का रोड मैप ठीक है अब तो ये एक ये है और एक और अवसर आपके पास है थर्ड कहा जाए कि एक एक रिजर्वेशन वाला भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है रिजर्वेशन का कि सब रिजर्वेशन आजकल एक ही तरह का हो गया है मान लीजिए एक जनरल कैटेगरी जो कोई जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है इसके अलावा जाएंगे तो ई का है ओबीसी का है ठीक है तो ये ओबीसी वाले में बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति एक आ गई है कि मैं जनरल कैटेगरी में जाऊं या ई में जाऊं ई को ऑप्ट करूं और या फिर ओबीसी में रहूं किसका कौन सा श्रेणी में जब फॉर्म भरते समय किस कैटेगरी को मैं ऑप्ट करूं ये एक बहुत कंफ्यूजिंग बात है तो ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जिस पे मैं आज आपके बीच में चर्चा के लिए संक्षिप्त चर्चा के लिए हूं और आगे ज़रूर आशा उम्मीद करता हूं कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ उससे आपको लाभ होगा एक जो फर्स्ट है बी पी एस का मेन्स वाले पे फर्स्ट वाले मुद्दे पे अगर चलूँ तो जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं पीटी, पी पीटी जो क्वालिफाइड हैं तो उनके लिए क्या अब वो क्या स्ट्रेटजी लेके चलें तो निश्चित रूप से तीन ही तो पार्ट होता है एक होता है प्रिपरेशन का तैयारी का प्रिपरेशन दूसरा एक होता है रिवीजन और तीसरा एक होता है टेस्ट आंसर क्वेश्चन आंसर लिखने का टेस्ट प्रैक्टिस तो ये तीन पार्ट हैं तो अब मैं मेरी तरफ से आपके लिए ये है प्रिपरेशन वाले में इसका नोट्स आपके पास होने चाहिए जितने भी जो भी सेक्शंस हैं टोटल छः पेपर हैं बी में और छः के छः पेपर में ऑप्शनल के दोनों पेपर में और जी के ऑप्शनल का एक पेपर और जी के दोनों पेपर में आपके पास नोट्स होने चाहिए आपके पास हिस्ट्री कल्चर का मेन्स का नोट्स रेडी होना चाहिए जो सत्रह अठारह टॉपिक हैं उसके बाद करंट uh, अफेयर्स का जो लिस्ट ऑफ़ टॉपिक्स है बिहार नेशनल और इंटरनेशनल इसके करंट अफेयर्स के लिस्ट ऑफ़ टॉपिक्स और उसका नोट्स कंटेंट आपके पास रेडी होना चाहिए थर्ड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को आप ओपन मत छोड़िए इवन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तब भी आपका बहुत अच्छा तैयार है तब भी आप उसको ओपन मत छोड़िए जितने तरह के टॉपिक से डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके उसका भी एक नोट्स बना लीजिए फिर आता है पेपर टू में पॉलिटी का पॉलिटी में भी मैंने देखा है कि पॉलिटी में प्रियम्बल से या फंडामेंटल राइट्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं प्रेसिडेंट का है पार्लियामेंट का है जुडिशरी का है सेंटर स्टेट रिलेशन है और इलेक्शन है गवर्नर के पोस्ट हैं तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे कई तरह के अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहां पर भी आपको अपने लिए एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और उसका भी आपके पास रेडीमेड नोट्स आपका हो जाना चाहिए इंडियन जोग्राफी बिहार को जोड़ते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के एग्री ये डिजास्टर मैनेजमेंट में या अदरवाइज जो भी फेमस कुछ टॉपिक चलता है इंडियन जोग्राफी विथ ए स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार उसी तरह से इकोनॉमिक्स विथ ए स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार और साइंस टेक्नोलॉजी तो इतने सारे जी के सेक्शंस से हैं तो जो इसके लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है उस लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपके पास नोट्स आपका कॉपी रेडी रहना चाहिए और अब इस टाइम पे आप पहले फर्स्ट राउंड में ये सारे के सारे कॉपी को आप बेस्ट ऑफ तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर जाइए आप आप उसको या, आप उसको या जितने बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं अब लेट के पढ़ने का टाइम नहीं है अब टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ने का टाइम है और वो भी केवल पढ़ने का टाइम नहीं है आप जो राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए मैंने लिख लिख करके आप उसको पढ़िए उसका ब्रेन मैप बना करके उसका डायग्राम बना बना करके तब पढ़िए तब जा करके आपकी चीजें हो पाएंगी अदरवाइज ऐसे चीजें आपकी आपके कमांड में कंटेंट पर आपका कमांड नहीं हो पाएगा और कंटेंट पर कमांड नहीं होगा तो एग्जाम हॉल में रिप्रोड्यूस नहीं होगा तो एक तो मेरे लिए आपके लिए बात यह है कि प्रिपरेशन के लिए अब आप बुक्स के लेवल पर मत जाइएगा अब बुक्स से जो आपने सिनोप्सिस अपना तैयार करके रखा हुआ है नोट्स तैयार करके रखा हुआ है आप उसके ऊपर फोकस करिए और ये आपके लिए वो आपके लिए एक जरूरी पक्ष है तो तो ये एक आपके पास जरूरी एस्पेक्ट्स है जो कि नोट्स के लेवल पर तो एक तो प्रिपरेशन के लेवल पे ये यहाँ पे जो क्या हो गया एक लिस्ट ऑफ़ टॉपिक्स होगा आपके पास हमने बहुत बार आस्था ये इसके यूट्यूब चैनल पे आपको इसका लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बता रखा है सारे सेक्शन का जी का कम से कम तो उसका एक नोट्स होगा अब उस नोट्स को आप फ्लो चार्ट बना बना करके फ्लो चार्ट बना बना करके याद करिए ठीक है और एक स्ट्रेटजी यहाँ पर और जरूर है कि जब भी कोई कोई भी टॉपिक आप उठा रहे हैं जैसे मान लीजिए आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें लैंड रिफॉर्म की बात करें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की बात करें जो नए एग्रीकल्चर लॉ हैं जो कानून है उसकी बात करें फूड प्रोसेसिंग की बात करें फूड सिक्योरिटी की बात करें यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर की बात करें ठीक है सेकेंड जनरेशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करिए ठीक है, है, है कि टू इंक्रीज इनकम ऑफ फार्मर्स की बात करिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए सारे में टॉपिक्स में आप जब इसका लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और उसका नोट्स तो जो भी कोचिंग से आपको नोट्स मिला होगा जहां भी आपने पढ़ा वहां से अस्थाई से भी अब आप उसको एक तो फ्लोचार्ट में कन्वर्ट करिए और दूसरा गूगल इमेज का मैक्सिमम यूज करिए और गूगल इमेज से ऐसा कोई डायग्राम जो कि आपके मैटर में आ सकता है जिसको कि आप एग्जाम हॉल तक लेके जा सकते हैं तो आप उसको जरूर वहां से उठा के अपने प्रैक्टिस का पार्ट बना लीजिए एग्जाम हॉल तक जाना पढ़ना वही है जो एग्जाम हॉल तक जा सके उस चीज़ को कभी मत पढ़िएगा जो एग्जाम हॉल तक नहीं जा सकता है आपने क्या किया कि सारे मैगजीन है उस मैगजीन को आपने पढ़ा और मैगजीन से पढ़ा और वो पढ़ी गई बातें अगर एग्जाम हॉल तक नहीं जा पाएंगी दो दिन बाद ही भूल जाते हैं तो उस पढ़ाई से क्या फायदा है वही पढ़ें जो एग्जाम हॉल तक जाए और फिर पढ़ते समय इस बात को ध्यान रखें कि जो पढ़ रहे हैं उसको एग्जाम हॉल तक आपको ले जाना है एग्जाम तो हॉल तक ले जाने के लिए जब पढ़ेंगे तो पढ़ाई की इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी और जब पढ़ते समय ही पता भी चल जाता है कि ये एग्जाम हॉल तक जाएगा और ये एग्जाम हॉल तक नहीं जाएगा बहुत अच्छा है लेकिन एग्जाम हॉल तक नहीं जा सकता है तो फिर उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है तो मैंने ये कहा कि लिस्ट ऑफ टॉपिक्स उसका नोट्स जैसा भी नोट्स आपके पास हैं और फिर उस नोट्स में गूगल इमेज को यूज कर करके अपने नोट को अपडेट करिए उसमें आप टेबल डायग्राम इस लेवल पे जाइए रिवीजन के दौरान फिर वही बात है कि हर कुछ को लिख करके जो नोट्स को ही एक बार कम से कम कहा जाता है कि जो सफल होते हैं वो टेन परसेंट का हंड्रेड परसेंट यूज करते हैं जो असफल होते हैं वो हंड्रेड परसेंट का टेन परसेंट यूज करते हैं आप सफल होने जा रहे हैं टेन परसेंट का तो ये जो अगर जो भी आपके पास नोट्स है उसका अच्छे से रिविजन करिए और रिविजन करके ठीक है और रिवीजन करके रिवीजन करने के दौरान लिख लिख के प्रैक्टिस करिए फिर वही सेम बात की एग्जाम हॉल तक लेके जाना है आपको अब इस बात को ध्यान में रख करके कि आप इमेजिन करिए कि ये टॉपिक एग्जाम हॉल में आया हुआ है और आप उसको लिख रहे हैं और आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे ठीक है तो रिविजन करिए उसको बार बार रिवीजन करने का भी तरीका ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी का पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी इकोनॉमी जो जैसे हिस्ट्री आपने रिवीजन करके कंप्लीट कर लिया तो कोशिश करिए कि डेली एक बार कम से कम आधे घंटे के लिए भी एक घंटे के लिए भी आप कम से कम हर सेक्शन को एक एक घंटे के लिए रिवीजन करिए डेली उस पर एक बार नज़र दौड़ा लीजिए उस कंटेंट के ऊपर तो इससे क्या होगा कि उस कंटेंट से अपन अपन बना रहेगा वो लॉस्ट नहीं होगा ये ठीक है और उसके बाद आता है टेस्ट की बारी देखिए मेरा जो अपना ओपिनियन है मैं एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं इस बात का और मेरा बिल जो बिलीव है वो बिलीफ है वो बिल्कुल सही है मैंने चूंकि मैं एक बात बार बार बोलता हूं कि मैंने बहुत सारे लोग जो सफल हुए हुए हैं सबका हमने कॉपी देखा है उनका लिखने लिखने का पैटर्न देखा हुआ है ठीक है बी को समझता हूँ बिहार के लोगों को समझता हूँ खूब अच्छे से समझता हूँ और उस समझने के अनुसार एक आपको एक एक मैसेज आपको बात बताना चाह रहा हूँ जो आगे सिक्सटी सेवन्थ देने जा मेन्स में जाएंगे उनके लिए भी और जो सिक्सटी का मेन्स

पढ़ा नहीं जाता हो कॉपी को देखा जाता हो ऊपर से तो देखने की स्थिति में वो छुपी हुई बातें दिखती नहीं है फिर और दिखती नहीं है तो बीपीएससी में हमेशा फोर्टी फोर्टी से लेकर के सिक्सटी परसेंट के बीच में मार्किंग होता है एकदम जनरल ऐसे कॉपी आटे जो कॉपी निकला हुआ है आप जानते हैं लोग सीधे टिक मारते हैं और अड़तीस थर्टी एट मार्क्स का है तो उसमें एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू इस तरीके से मार्क्स दे देते हैं और जब ऐसे मार्क्स आएंगे तो आदमी फिर बीपीएससी मेन्स क्वालिफाई नहीं करता है तो मेरा सुझाव आपके लिए ये है हमने जो एक स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट को याद रखिएगा बी में कॉपी जाँचते समय पढ़ा नहीं जाता है ठीक है मैं, मेरा अपना परसेप्शन है ऐसा ये, ये आप ज्यादा अच्छे से क्योंकि मैंने जो आरटीआई से कॉपी आया हुआ है कहीं भी एक भी सेंटेंस में कहीं अंडरलाइन नहीं देखा है एक भी सेंटेंस को कहीं काटा हुआ नहीं देखा है हमने हर जगह टिक मारा हुआ देखा है तो टिक मारे हुए में से अब आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं एक और उसके पीछे ग्राउंड होता है कि एग्जामिनर को आपके आपने जो एग्जामिनर को एग्जामिनर के लिए आ, आपके मतलब साइकड़ो कॉपी एग्जामिनर जांच रहे तो एग्जामिनर जब साइकड़ो कॉपी जांच रहे हैं तो वहां पे वो उनको आपके कॉपी से ज्ञान नहीं बढ़ाना है वो कई बार कॉपी चेक करते करते थक जाते हैं थक जाते हैं तो उनको एक अपना ए, अपना एक परसेप्शन भी बन जाता है कॉपी को ऊपर से देखते ही परसेप्शन बन जाता है या कहीं पैरा वगरा में जाते हैं क्वेश्चन है डिमांड है क्वेश्चन के डिमांड को उन्होंने एक नज़र से जो आंसर पर दौड़ाया उनको पता चल जाता है कि इसमें काम कितने ये फिफ्टी के लिए है फिफ्टी से कम के लिए है या फिफ्टी से ज़्यादा के लिए है उसके अकॉर्डिंग वो मार्क्स दे करके निकल जाते हैं मेरा मानना ये है कि आप अपने आंसर को विजिबल बनाइए विजिबल बनाने का मतलब ये होता है कि उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा डायग्राम हो सकता है आप डायग्राम डालिए आप टेबल डालिए आप पॉइंट्स डालिए पैरा तीन चार लाइन पांच लाइन का पैरा लिखिए जरूरत पड़ा तुरंत से उसमें उसको ब्रेक कर दीजिए उसको ब्रेक करके जैसे एक क्वेश्चन में देख रहा था कि हमने ही जो अभी फुल टेस्ट हुआ था एक हमने आस्था इसमें ग्यारह टेस्ट कंप्लीट कर लिया है और ग्यारह टेस्ट कंप्लीट कर लिया था उधर जनवरी से पीटी के एग्जाम के जस्ट बाद शुरू किया था ग्यारह टेस्ट कंप्लीट कर लिया है और अब जैसा कि लोग बताएंगे नया टेस्ट सीरीज फिर से नया एक सीरीज ग्यारह टेस्ट का शुरू हो रहा है तो उसी में जो फुल टेस्ट था उसमें एक था कि अभी हाल ही में बिहार विधानसभा के सत्रहवीं जो सत्रहवीं बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ उसके चुनाव के मुद्दे तथा नई सरकार के द्वारा नई सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के की चर्चा करें ठीक है इस तरह के क्वेश्चन थे तो मुझसे अगर कोई कहेगा मैंने कुछ लोगों का कॉपी देखा तो उसमें उन्होंने बिल्कुल कहानी की तरह उसको लिख रखा है मुझसे अगर कुछ कहेंगे तो जब चुनाव के मुद्दों को मैं दो भागों में बांट दूंगा राष्ट्रीय जो एनडीए के एनडीए के द्वारा के द्वारा निर्धारित मुद्दे चुनाव के लिए महागठबंधन के द्वारा निर्धारित मुद्दे चुनाव के लिए और फिर इनकी इनको कंक्लूड करके दोनों को उसके बाद एक तीसरा एक तीसरा गठबंधन भी था जिसके द्वारा भी अब चुनाव में अपने मुद्दे उठाए गए थे तो इस तरीके से मैं मुद्दा और उसके बाद फिर जो सरकार के मुद्दों में जाऊँगा तो सात निश्चय टू के बारे में चर्चा करते हुए और उस संदर्भ में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसकी चर्चा कर लेंगे तो मुझसे अगर कहेंगे तो मैं इसमें कई जगह पे ब्रेक कर दूंगा कई जगह पे डायग्राम यूज करा दूंगा कई जगह पे कई सारी चीजें कर दूंगा तो आपके लिए भी एक जो मेंस देने जा रहे हैं उनके लिए एक की ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हमेशा ध्यान रखिए जो आंसर लिखिए और उसमें डायग्राम और डायग्राम कहाँ से आएगा किसी भी टॉपिक का डायग्राम कहाँ से आएगा आज के डेट में डायग्राम की कोई कमी नहीं है डायग्राम हर गूगल इमेज में जाएंगे टॉपिक आप हिंदी हो इंग्लिश हो टाइप करेंगे उसमें दोनों में आ जाता है हिंदी भी आ जाता है इंग्लिश भी आ जाता है अगर मान लीजिए किसी टॉपिक का हिंदी में नहीं है आप उसका इंग्लिश लीजिए खुद से ट्रांसलेट कर लीजिए और ट्रांसलेट करके या आपको लगता है कि ऐसा डायग्राम बन सकता है तो आप उसको जरूर बना लीजिए ठीक है तो और ये काम सब में हो सकता है ये काम आपका हिस्ट्री कल्चर में होगा ये काम आपका पोलिटी करंट अफेयर्स में होगा डेटा इंटरप्रिटेशन में होता ही है इसके अलावा जाएंगे तो ये काम पोलिटी में भी हो सकता है जब मान लीजिए कहीं कोई टॉपिक आता है सेंटर स्टेट रिलेशन केंद्र राज्य संबंध उभरती प्रवृत्तियां आता है तो हम केंद्र राज्य संबंधों को क्या करेंगे भाई सीधे सीधे तीन भागों में जो बांटते हैं और उभरती प्रवृत्तियां इन तीनों में जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव है और फाइनेंशियल है इनकी चर्चा करके इनको डायग्राम में ही चर्चा करके फिर दोनों तीनों को मिला करके और फिर एक नई प्रवृत्तियां न्यू ट्रेंड्स जो हैं उनकी चर्चा कर देंगे वो भी डायग्राम में कर देंगे तो कॉपी में अधिक से अधिक फ्लोचार्ट डायग्राम डालने की कोशिश करिए ये बात मैं इस बार से नहीं बोल रहा हूँ हमारा वीडियो आप बहुत सिक्सटी फोर्थ का भी वीडियो देखेंगे तब भी मैंने उसमें ये बातें कही हैं साठ बासठ का कही आप देखिए वीडियो तब भी मैंने और उसका परिणाम है कि हम लोग आस्थाई से यहाँ दिल्ली से हम लोगों ने फिर भारी संख्या में लोगों को देखा है सफल होते हुए ठीक है तो मेरी मेरी तरफ से सुझाव ये है इस सुझाव को आप मानिए और ये जो पीटी टी क्वालिफाई किए हुए लोग हैं अपने प्रिपरेशन को आप कंक्लूड करिए माने ऐसे प्रिपरेशन को फैलाइए मत जिससे कंक्लूड और एक बात ध्यान रखिए अगले दो महीना जो भी मान लीजिए अप्रैल मई दो महीने का टाइम है जून में एग्जाम की संभावना है तो आप इसको दो महीना ढाई महीना अगर आपके पास सही स्टडी मटेरियल आ जाता है तो ये जो नोट्स वाला पार्ट है ये सही आ जाता है तो अगले ढाई महीने में भी ढाई महीने के टाइम में भी नोट्स को पाँच छः छः बुकलेट हैं जी के और पता चला कि इसी तरह से दो तीन चार दो तीन बुकलेट आपके होंगे ऑप्शनल के या आठ नौ बुकलेट को आप अगले ढाई महीना मतलब कि करीब पचहत्तर दिन का समय हुआ पचहत्तर दिन में इसको निपटा देना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है आप दिल पर पत्थर रख करके सोच पे सोच को दोनों तरफ से ब्लॉक करके सीखें और वो जो मैटर है उस मैटर को जितने बार पढ़ सकते हैं पढ़ जाइए एग्जाम हॉल में जा उतार आइए उतार के प्रश्न के मांग के अनुसार उसको उतार दीजिए आपका और ज़रूर इंटरव्यू कॉल हो जाएगा नौ समय 500 मार्क्स लाना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है अभी भी टाइम है लेकिन अब अगर समय खराब करेंगे तो अब टाइम नहीं होली मत मनाइएगा आप पीटी बहुत बहुमूल्य पीटी आप क्वालिफाई किए हुए हैं होली मन जाएगा सिलेक्शन के बाद तो होली ही होली है जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक होली को अपने आप को थोड़ा रिस्ट्रेन करिए तो एक, एक जो मुद्दा था आज की चर्चा का वो ये मुद्दा था जो सेकेंड जो मुद्दा था जिसपे हम चर्चा करना चाहते हैं जो कि आज का मेन मुद्दा है वो मेन मुद्दा था हमारा ये वाला ये जो सेकंड वाला मुद्दा है बीपीएस पीटी जिनका नहीं हुआ उनके लिए क्या रोड मैप होगा अब देखो कभी भी मैंने बीपीएससी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ अब ये बीपीएससी को मेरे मैं तो ये मानता हूँ कि जो लोग क्वालिफाई किए हैं वो तो निश्चित रूप से वो 108 के ऊपर हैं तभी तो क्वालिफाई किए हैं उनके रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन बीपीएससी को एक बार अपने रिजल्ट की रिव्यू करना चाहिए मैं इस ओपिनियन का हूँ कि बी को एक बार रिजल्ट का रिव्यू करना चाहिए कि आखिर इतना ऊपर कट ऑफ क्यों गया ठीक है तो और रिव्यू करेंगे तो हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ मल्ट अलग अलग तरह की बातें हमने सुनी पॉजिटिव बातें हमने ये सुनी कि भाई भारी संख्या में ऐसे लोग जो जो कि पिछले दिनों में लगातार जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ गया और अवेयरनेस बढ़ा हुआ है और बिहार से लोग जो बहुत सारे राज्य के बाहर पोस्टेड हैं अन्य राज्यों में जो काम कर रहे हैं बैंक में काम कर रहे हैं या आर्मी में काम कर रहे हैं या रेलवे में काम कर रहे हैं कई सारे डिपार्टमेंट्स में सेंट्रल सेक्रेटरीट से, में काम कर रहे हैं ऐसे जगहों पे काम कर रहे हैं वो बड़े इंटेंसिटी से पढ़ते हैं बड़े फोकस्ड होकर पढ़ते हैं और वो पीटी वो बड़े सिंसियरली जो पढ़ रहे हैं तो उनके कारण से ये कट ऑफ ऊपर गया है ऐसे लोग जो आठ हजार आठ हजार नौ सौ के आसपास जो रिजल्ट आया है वो मुख्य रूप से ऐसे लोगों का है जो राज्य के बाहर रहते हैं नंबर वन और कहीं कहीं ऑलरेडी जॉब में है एक दूसरा कैटेगरी ऐसा भी मुझे बताया गया कि ऐसे लोगों का है जो कि इंजीनियर हैं और वो थोड़े से क्लास टेन के लेवल पे शार्प थे वो और शार्पनेस उनका शार्पनेस का यूज अब ज़्यादा होने लगा है इस कारण से कट ऑफ ज़्यादा चला गया एक एक तीसरा पक्ष भी लोग बता रहे हैं कि जो पेपर आउट होने वाली बात थी उसके कारण से भी अब किस कारण से है लेकिन मुझे लगता है कि इतना एक एक सौ आठ कट ऑफ गया हुआ है इस कट ऑफ के अधिक होने का एक कारण कारण की समीक्षा करनी चाहिए अगर फेयर है तो ठीक है ओके okay, बाकी लोगों को अपने आप को दोबारा एक तरह से अपनी तैयारी को एक रिसेप देने की जरूरत है जिससे वो भी 108 110 या पता चला कि इस तरह से कंपटीशन बढ़ते गया तो एक उपाय होगा कि बीपीएससी में जो पीटी का पेपर आ रहा है पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा और बढ़ाया जाए या फिर कट ऑफ और ऊपर की तरफ जाएगा तो जाएगा तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपने तैयारी के तरीके को बदलिए बदल करके अपनी एनर्जी को उसमें इनपुट को बढ़ाइए और बढ़ा करके पीटी में होने की कोशिश करिए तो मुझे लगता है कि इस बार का जो बीपीएससी पी पीटी का जो कट ऑफ ऊपर गया है उसके इस तरह के कुछ कारण लोगों ने बताया है लेकिन एक बार रिव्यू करके अगर बीपीएससी के द्वारा ही कोई अगर इसका ये जो बड़े पैमाने पे कंफ्यूजन पैदा पैदा हुआ है बीपीएससी के द्वारा ही अगर एक रिव्यू नोट अगर जारी कर दिया जाता कि इस बार के कट ऑफ बढ़ने से बढ़ने का जो कॉपी आया उस कॉपी में क्या चीज उनको दिखा है ऐसा जिसके कारण इस तरह का कट ऑफ गया है ऊपर गया है तो इससे बड़ा इस डेमोक्रेटिक और मुझे लग रहा है कि इसके पहले वाले जो अध्यक्ष जी थे ठीक है तो उनके समय में अगर ऐसा हुआ होता तो ज़रूर इसके बारे में वो फेसबुक पे या सोशल मीडिया में कुछ जारी कर देते लेकिन अभी की वर्तमान स्थिति में पता नहीं आर के महाजन साहब हैं वो इस तरह का कुछ जारी करेंगे कि नहीं करेंगे जो बच्चों के मन में दुविधा पैदा हुआ है या जो अनिश्चितताएँ बढ़ी हैं ठीक है लेकिन खैर अब तो जो हुआ सो हुआ अब तो जो रिजल्ट आ चुका है कई भारी संख्या में जो एक्सपेक्टेड थे भाई ऐसे सारे लोग जो 98 के ऊपर कि पीछे के ट्रेंड के अनुसार हम लोग भी मान के चल रहे थे कि 98, 99 के आसपास से कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा तो इसके आसपास में जो थे या इसके ऊपर एक और इसके और नाइन्टी के बीच वाले लोग थे जो असफल हो गए हैं अब उनके पास क्या विकल्प है एक ये है तो इसमें जाएंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है देखो अनुसंधान है भाई आप एसडीएम बनने जा रहे हैं डीएसपी बनने जा रहे हैं वीडियो डी बनने जा रहे हैं बहुत बड़े पद होते हैं ये और आप भी जानते हैं कि कोई आदमी आप अपने घर में ही देखिए कोई आदमी अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस कोई भी बिज़नेस करता है फैक्ट्री लगाता है या मान लीजिए कोई फूड प्रोसेसिंग का कोई बिज़नेस करता है कुछ भी करता है तो उसमें दो साल तीन साल चार साल टाइम लग जाता है ठीक है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है अभी आपको जो ये हुआ जो भी मान लीजिए हंड्रेड के आसपास आप थे और आपका नहीं हुआ 103 थे 104 थे 102 थे 101 थे आपका नहीं हुआ दुखी होने की बात नहीं है अनुसंधान बड़ा है ठीक है तो अब हो सकता है कि प्रयास बीपीएससी अब ज्यादा प्रयास मांग रहा हो जैसे मैं बार बार बोलते रहा था कि भाई बीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन प्रोपोर्शनल का रिलेशन नहीं होता है ठीक है मैंने इनपुट और आउटपुट जैसे इस तरीके से कहें इनपुट इज इन आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू इनपुट अगर ऐसा इस तरह से मैं कहूं तो बीपीएससी में कई बार आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू इनपुट सप्लाइड ठीक है इनपुट सप्लाइड तो ये जो इसमें एक पार्ट आ रहा है ठीक है मैं जो बताता हूं कि भाई बीपीएससी में जो आप आ, आ, जो इनपुट यूज करते हैं उसके कंपैरिजन में जो आउटपुट है वो आउटपुट आउटपुट बड़ा है इनपुट कम अप्लाई करना पड़ता है लेकिन हो सकता है कि अब थोड़े इनपुट की डिमांड बढ़ गई है अब इनपुट और आउटपुट के बीच में एक कहा जाए कि 100 परसेंट इनपुट तो 100 परसेंट आउटपुट मिलेगा 98 परसेंट इनपुट से 100 परसेंट आउटपुट नहीं मिलेगा ठीक है अब एक ऐसा लग रहा है कि ऐसा सिचुएशन एक आ गया है तो फिर भी आप इसमें अब अब क्या करें तो एक तो जो था कि बीपीएससी बीपीएससी के लिए आपका जो आपने पीटी की तैयारी करी थी और मेंस का तैयारी आप कर रहे थे ठीक है पीटी की तैयारी आपने करके एग्जाम दिया और आपका मान लीजिए नहीं हुआ दो नंबर एक नंबर पांच नंबर से आपका नहीं हुआ है ठीक है तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें? अब आगे क्या करें? ठीक है तो इसमें आता है कि फिर हम मुझे लगता है कि आपके पास जो विकल्प है देखो विकल्प किस तरह का है अल्टरनेटिव आपके पास क्या है तो अल्टरनेटिव अब दो हैं और वो दोनों बहुत नजदीक का अल्टरनेटिव है एक सीडीपीओ का है और एक बीपीएससी बीपीएससी सिक्सटी का है ठीक है तो दो विकल्प आपके पास हैं और आप एक लेवल पर हैं आप सब में यहाँ पर भी ये जो पीठी वाला जो लेवल है यहाँ पर भी चार पांच क्वेश्चन से आप आगे पीछे हो रहे हैं ठीक है यहाँ पर भी जाएंगे तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट सिक्सटी सेवेंटी परसेंट तैयारी कर लिए थे चूंकि तीन महीने बाद इसका रिजल्ट आया है तो तीन महीने बाद रिजल्ट आया है तो ऑलमोस्ट आप सिक्सटी सेवेंटी परसेंट इसका तैयारी कर लिए तो अब आपके पास क्या उपाय है ठीक है तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए सी और बीपीएससी सिक्सटी सेवन ये दोनों के दोनों इसी साल कंप्लीट होगा इसी साल इसका प्रीलिम्स का प्रीलिम्स का प्रोसेस कम से कम जरूर कंप्लीट हो जाएगा सीडीपीओ का मेंस भी कंप्लीट हो सकता है ठीक है तो ऐसी स्थिति में आपके लिए क्या विकल्प है आपके लिए क्या उपाय है तो उसमें आता है अब इस छियासठ को भूल जाइए और छियासठ को भूल करके अब आप क्या करिए जो अपना आपका पीटी का पीटी में जो दो पांच क्वेश्चन कम आपके पढ़ रहे थे कम पढ़ रहे हैं जिसके कारण इस बार आपका नहीं हुआ ठीक है तो अब आपके पास क्या हो जाएगा अब इसको भूल जाइए पूरी कहानी को अब उसके लिए क्या करिए यहाँ पर मेरा मानना ये है कि ये जो बी पी एस सी सिक्सटी सिक्स सेवेंथ के लिए और इवन सी डी पी ओ के लिए ये जो मेंस का प्रिपरेशन का पार्ट है ये जो सिक्सटी सेवेंटी परसेंट तक आप पहुँच गए थे ऑलरेडी तो आप इसको कंप्लीट करिए और कंप्लीट करने के लिए अभी भी आपके पास दो महीने का टाइम है अप्रैल और मई का तो मैं आपके लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेशन दूंगा स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इवन इसको पंद्रह जून तक इसको कंटिन्यू करिए पंद्रह जून टू जीरो टू वन तक मेंस की तैयारी को ही को ही कंटिन्यू करिए और आप ये मान के चलिए कि आपका सिक्सटी सिक्सटी सिक्स मेन्स हुआ पड़ा है और वही इंटेंसिटी बनाए रखिए बस ये बीच में एक दुखद घटना घट गट गई है जो कि आप भूल जाइए और उसके बाद मेंस की तैयारी को अपना जारी रखिए और फिफ्टींथ जून तक अपने मेंस के प्रिपरेशन को सेटल्ड कर लीजिए ठीक है और उसके बाद 15 जून के बाद से लेकर के और फिर उधर 10 अक्टूबर मान के चलिए 10 अक्टूबर को अगर पीटी का 2021 को पीटी का एग्जाम होता है ठीक है तो इस बीच वाले टाइम में हम क्या करेंगे ये जो पांच सात क्वेश्चन आपका ये जो पीटी की तैयारी को पूरा कर लेंगे पांच सात क्वेश्चन जो आपका कम पड़ गया तो उसको आप चूंकि जब शुरू में तेजी से आदमी आगे बढ़ता है क्योंकि पूरे जीवन भर की पढ़ाई उसमें काम आ जाती है लेकिन सौ के ऊपर का जो दस नंबर है उसको बढ़ने के लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगा ठीक है तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि ये जो पी के लिए आप पंद्रह जून के बाद दस अक्टूबर के बीच में पी का पढ़ाई ऑलमोस्ट 80 परसेंट टाइम आप पीटी पर देंगे और 20 परसेंट टाइम आप ये मेंस की जो तैयारी आपने कर रखी है इसके लिए देंगे ऑप्शनल का और जीएस का ठीक है और 80 परसेंट टाइम पीटी के लिए दे देंगे और ये जारी रखेंगे अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में आकर के ये मेंस वाला जो टाइम है 20 परसेंट इसको खत्म कर देंगे और पूरा 100 परसेंट टाइम आप पीटी पे दे देंगे ठीक है और उसके बाद 10 अक्टूबर को मेंस का एग्जाम पीटी का एग्जाम देने के बाद फिर आप उसके बाद अपना मेन्स का ये जो नोट्स है जिसको आप पढ़ते रहे हैं आपने ये सबका नोट्स आपका तैयार है आपका हिस्ट्री कल्चर का नोट्स तैयार हो चुका है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का कॉपी रेडी है आपका करंट अफेयर्स अब काम नहीं आएगा बेस काम आएगा ठीक है नई बातें उसमें इसराइल का इलेक्शन हो रहा है नई बातें नया डेवलपमेंट इजराइल में जो हुआ रहेगा वो आएगा इंडो पाक रिलेशन में नई बातें जो द, इंडो बांग्लादेश में नई बातें काम आएंगी ठीक है तो अदरवाइज बेस तो वह रहेगा तो आपके पास हिस्ट्री कल्चर का नोट्स मेंस का तैयार है करंट अफेयर्स का नोट्स आपको करंट अफेयर्स की आपको अच्छी खासी समझ है डेटा इंटरप्रिटेशन आपका तैयार है उसके बाद आपका पॉलिटिक का नोट्स तैयार है आपका इकोनॉमी का नोट्स तैयार है आपका जोग्राफी का नोट्स तैयार है आपका साइंस टेक्नोलॉजी का नोट्स तैयार है आपका ऑप्शनल के सारे नोट्स तैयार हैं तो अब क्या करेंगे दस अक्टूबर के बाद आप इसका रिविजन और टेस्ट सीरीज और रिवीजन और टेस्ट सीरीज जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था जो 66 मेंस पीटी पास किए हैं उनके लिए वो सारा उसमें जाकर के क्या करेंगे आपका नोट्स अब आप देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जो 66 पीटी पास किए हैं अगर उनके पास वो नोट्स नहीं है अगर उस नोट्स की उनको समझ नहीं है तो अब ढाई महीने में वो क्या कर लेंगे ढाई महीने में हमने कहा कि ढाई महीने में आप बहुत मेहनत करके अगर नहीं है तो अगर है ठीक है तो तब तो कर लेंगे अभी भी, भी पचहत्तर दिन में है पचहत्तर दिन में आप कर ले जाएंगे लेकिन अगर नोट्स नहीं है तो ठीक है तो किस चीज का रिविजन करेंगे किताब का कर, किताब से लक्ष्मीकांत से ठीक है इकोनॉमी रमेश सर की किताब से या किससे कैसे तैयारी कर विपिन चंद्रा से हिस्ट्री हो पाएगा नहीं हो पाएगा ठीक है तो अगर आपके पास और आपके पास तो आपने तो न सिर्फ नोट्स बना रखा है आप उसको क्लास में आपने सुना है आपने बार बार उसको पढ़ा है ठीक है और इस पढ़ने से इसके साथ ये जो मेन्स का कंटेंट था जो कॉपी है उस कॉपी के हर सेंटेंस से आपको अपनापन है ठीक है और अपनापन है वो आपको याद है अब उसमें वैल्यू एडिशन करना है गूगल इमेज से अभी भी आप जाएंगे तो ये जो 10 अक्टूबर के बाद पीटी का एग्जाम देने के बाद आप क्या करेंगे कि उसमें गूगल इमेज से मैटर ले ले करके उसको जोड़ेंगे और फिर आंसर लिखने का प्रैक्टिस करेंगे और इस तरीके से इस तरीके छियासठ पीटी नहीं हुआ मेंस देने का अपना मौका नहीं मिला लेकिन सिक्सटी सेवन्थ को इस तरीके से चाहे सीडीपीओ को इस तरीके से करेंगे जिससे कि यहां से आपको ज़रूर एक न एक एक न एक सेवा आपको प्राप्त हो ही जाए ठीक है तो इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है आप अपने आप को मान के चलिए प्रकृति आपके लिए इतना सहज रास्ता उपलब्ध कराने के लिए तैयार नहीं थी अदरवाइज हम लोग बोलते हैं कि आप तैयारी करते रहिए बीपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें सब कुछ समय के अनुसार हो जाता है लेकिन फिर वही जीवन है जीवन में स्टेट लाइन मृत्यु का सूचक है बीपीएससी के भी बीपीएससी में भी मृत्यु का सूचक होता है स्टेट लाइन आप देखेंगे इसी जीव वगैरह का बहुत वाइब्रेशन होते रहता है एक वाइब्रेशन यहां निगेटिव वाइब्रेशन हो गया है और जो स्टेट लाइन समय के अनुसार चल रहा था वो नहीं हो पाया ठीक है लेकिन आप अपने उत्साह को बनाए रखिए ऊर्जा को बनाए रखिए और ऊर्जा और उत्साह को बनाए रखते हुए एनर्जी और जो भी इंथ्युजियाम है उसको बनाए रखिए अधिकारी बनने का जील कभी कम नहीं होना चाहिए अपने मिट्टी की सेवा करने का जो उत्साह है वो कभी कम नहीं होना चाहिए और उसमें जो भी पीटी में जो कमी रह गई है समय के अनुसार सही ढंग से प्लान करके टाइम मैनेजमेंट करके और टाइम मैनेजमेंट करके उसको सही स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़िए और आगे बढ़ कर के हम अपनी जरूरतों को तो आपका जो मेन्स जो मेन्स आपने बीपीएससी सी पीटी में

जो आंसर लिखने का जो फर्स्ट पार्ट में हमने बात बताई है उसको पालन करेंगे तो यही है कि बीपीएससी जो सिक्सटी सिक्स पी जिनका नहीं हुआ है दुखी तो ज़रूर दुख की बात है लेकिन आप उससे साहस मत खोइए जो हमने कहा कि उन एनर्जी माटी की सेवा करने के लिए जो उत्साह एनर्जी चाहिए उसको बनाए रखिए और बनाए रखते हुए पढ़ाई को जारी रखिए आपके पास समय ज़्यादा नहीं है ना तो सी के लिए ज़्यादा समय है ना तो बी पी के लिए ही ज़्यादा समय है ठीक है आप सोच के देखो मार्च कंप्लीट होने जा रहा है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर ठीक है दिसंबर जनवरी करीब करीब आठ से दस महीने के बीच का टाइम है और दस महीने में पीटी और मेंस दोनों हो जाएगा तो इस आठ से दस महीने में आप इस तरीके से अपने प्लान की इस बार कम से कम पीटी में भी कोई किंतु परंतु न रहे और मेंस में भी कोई किंतु परंतु न रहे आप जरूर निश्चित रूप से क्वालिफाई करिए बीपीएससी पर ही फोकस को बनाए रखिए सीडीपीओ पे और बीपीएससी पी एस सड़सठ अपने फोकस को बनाए रखते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहिए तो ये हमारी तरफ से आपके लिए था एक और जो बार बार ये कन्फ्यूजन आजकल जो देखने को मिल रहा है ये रिजर्वेशन को लेकर के और यही तो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि भाई एक ऐसा समय आए जब रिजर्वेशन की जरूरत ही ना रह जाए और आज के डेट में देखो कई राज्यों में हो रहा है कि जो जनरल और ओबीसी का जो कट ऑफ है वो दोनों का कट ऑफ ऑलमोस्ट एक ही हो गया है ठीक है और फिर दोनों का कट ऑफ एक हो गया और अभी ये कंफ्यूजन आ गया कि हम क्या करें जनरल में जाए कि ओबीसी का मैंने जो फॉर्म भरते समय जो कैटेगरी भरा जाता है श्रेणी भरा जाता है मैं जनरल का जनरल का करूं कि ओबीसी करूं कि डब्ल्यू करूं मुझे लग रहा है कि ये कंफ्यूजन है अभी जैसे ईडब्ल्यू एस का कट ऑफ एक सौ तीन गया है और ओबीसी का कट ऑफ एक सौ चार गया हुआ निके कई लोगों का एक एक नंबर पे 90 पता चला कि 95 फाइव है 96 सिक्स है और 90, एक एक नंबर से दो दो नंबर से उनका रह गया है तो ऐसी स्थिति में ये इंपॉर्टेंट हो गया है ठीक है तो इसको समझते हुए मुझे लग रहा है कि अभी थोड़े दिन तक जो जहां है वहीं पर रहे ओबीसी वाले लोग ओबीसी का कैटेगरी सेलेक्ट करके अपने अपने कैटेगरी में ही एग्जाम दीजिए लेकिन थोड़े दिन बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा एग्जाम देने के लिए मुझे लग रहा है कि यह सारा सब बल्ले ले दे करके बराबर हो जाएगा और सब लोगों के लिए सबसे अच्छा तरीका रहेगा जनरल कैटेगरी में भरिए है वहां क्वालिफाई होने के चांसेज ज्यादा रहेंगे कैटेगरी के अंदर में कंपटीशन बढ़ गया है ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो लोग जो लोग ओबीसी कैटेगरी को सेलेक्ट को ऑप्ट किया हुए उनके बीच में, बढ़ गया। उसी तरह से हर में बढ़ गया है लोग, हो चुके हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं लड़कियां हैं लड़कियां भी जागरूक होती जा रही हैं इतना रेगुलर एग्जाम हो रहा है कि हर आदमी चाह रहा है कि आई का एग्जाम देंगे लेकिन पहले बीपीएससी में सिलेक्शन पाकर एक, एक सेवा प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद फिर आईएस का एग्जाम देंगे तो ये जो एक ट्रेंड चेंज हुआ स्ट्रेन चेंज होने में निश्चित रूप से हम लोगों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हमने तो योजना में और सब जगह एडवर्टीजमेंट देकर के कहा कि आई इंतजार कर सकता है बीपीएससी नहीं तो इस तरह के कंपटीशन बीपीएससी में बढ़ गया है आप अपने एफर्ट को मेहनत को बढ़ाइए और अपने मेहनत से इसको सिलेक्शन पाइए अभी जाएंगे तो आस्था में हम यहाँ पर जो लोग क्वालिफाई किए हैं और सिक्सटी के लिए सी डी पी ओ सिक्सटी सेवेंथ और ये ऑप्शनल को लेकर के मुझे एक सी डी पी ओ में ऑप्शनल की बात भी, भी मैं बता दूं कि जैसे सी डी पी ओ के लिए आपका जोग्रफी जैसा ऑप्शनल है आपका हिस्ट्री है आपका मान लीजिए एल एस डब्ल्यू है ठीक है आपका एल है तो एल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है आप एल एस इसमें सी में भी एल आपका सोशियोलॉजी ही ऑप्शनल है तो एल इसमें सी में भी सोशियोलॉजी आप लेके अपना कर लीजिए लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका जोग्राफी है जिनका हिंदी लिटरेचर है जिनका हिस्ट्री है जिनका फिलासफी है तो ऐसे लोगों को आप मुझे मेरा जो रिकमेंडेशन है मैंने जो सिलेबस देखा उस सिलेबस के अनुसार मुझे लगता है कि आप सी के लिए सोशियोलॉजी एक ऑप्शनल बहुत कम सिलेबस है छोटा सिलेबस है ठीक है गलती मैंने जो देखा कि आ, कि सीडीपीओ के लिए सोशियोलॉजी लेंगे तो बीपीएससी के लिए भी सोशियोलॉजी ले लेंगे ठीक है तो कई बार ध्यान रख लीजिएगा दोनों का सिलेबस देख लीजिएगा बीपीएससी का सोशियोलॉजी ऑप्शन का सिलेबस बहुत बड़ा है और सीडीपीओ का सोशियोलॉजी का सिलेबस छोटा है तो सीडीपीओ के लिए अगर एक ऑप्शन अगर आपको भाई चार जो ऑप्शनल हैं उसमें से एक लेना हो तो सोशियोलॉजी का सिलेबस छोटा है आप उसको चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं या फिर आप एल एस डब्ल्यू एल सी डी में रखिए और एल एसडब्ल्यू बीपीएससी में रखिए ठीक है आपको जिनका जोग्राफी बहुत अच्छा है जिनका हिस्ट्री बहुत अच्छा है जिनका हिंदी लिटरेचर सीडीपीओ के लिए अपने ऑप्शनल को छोड़ करके उनको ठीक है उनको एल एस या सोशियोलॉजी लेने की जरूरत नहीं है कि मैं अपना जोग्राफी हिस्ट्री हिंदी लिटरेचर को छोड़ दूं हमेशा के लिए छोड़ दूं और सी डी पी ओ में सोशियोलॉजी और ऑप्शनल और बी पी एस सी में भी सोशियोलॉजी ठीक है और एल एस डब्ल्यू में एल एस डब्ल्यू सी डी पी ओ में और बी पी एस सी में भी एल एस डब्ल्यू ऐसा मैं करूं ऐसा करना ज़रूरी नहीं है आप सीडीपीओ के लिए एक, एक कहा जाए एक शॉर्ट टर्म डिसीजन के रूप में आप सोशियो ऑप्ट कर लीजिए अपना बीपीएससी में अपना जो ऑप्शनल है उसको कंटिन्यू करिए ठीक है तो मेरी तरफ से सी के बारे में एक ये है आपके पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं इन विकल्पों में से जो छियासठ पीटी पास नहीं कर पाए हैं उनके लिए अभी भी बहुत सारा विकल्प है मत होइए अपनी तैयारी को जारी रखिए तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही फिर हम आपसे मिलेंगे कभी नेक्स्ट कभी अगले वीडियो में वी पी वालों के लिए और फिर बी सड़सठ और सी uh, के लिए फिर से कभी अलग से वीडियो बनाने के लिए आएंगे आपके बीच में तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार नमस्कार मैं मिथिलेश चंद्रा आस्था टीम का एक सदस्य हूँ और सफल सिक्सटी सिक्स बीपीएससी पीटी का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसमें सभी सफल अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोग के जो पांच जून को जो आप लोग का मेंस का एग्ज़ाम घोषित किया गया है उसको देखते हुए हम लोग ने क्लास और टेस्ट सीरीज जारी किया है उसी के रिगार्डिंग हम हम आप लोग से बात करने आए हैं और उसमें है कि सबसे पहले कि हमारे संस्थान अस, से एक अप्रैल से क्लास चलाई जा रही है जिसमें कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ही अवेलेबल होगी क्लास ऑनलाइन क्लास जो है हमारा अपना आस्था एस के ऐप पे प्ले स्टोर में जाके आप लोग को टाइप करना है आस्था आस्था आई एस और वहाँ से ये ऐप डाउनलोड कर लेना है और ऐप से ही लाइव विथ रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को मिलेगी ये शेड्यूल है हिंदी मीडियम की क्लास नाइन एम टू एलेवन थर्टी एम एंड इंग्लिश मीडियम की क्लास सिक्स फोर पी एम टू सिक्स थर्टी पी एम और उसके बाद इस ये क्लास आप लोग के एग्जाम के दस दिन पहले ख़त्म कर दी जाएगी उसके बाद ये आपका कुछ टेस्ट का टेस्ट का भी प्रोग्राम है टेस्ट प्रोग्राम कुछ इस तरह से हैं सिक्सटी सिक्स बी पी एस सी मेन स्टेट सीरीज जो है चार अप्रैल से स्टार्ट हो रही है जो कि 29 मई को खत्म कर दिया जाएगा ये टेस्ट सीरीज भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल रहेगी ऑफलाइन दिल्ली सेंटर पे और पटना सेंटर पे दोनों ही जगह मिलेगी ये है आप इसको दे सकते हैं फिर उसके बाद है कि 67 सेवन बी बी एस सी पी टी एवं सी डी पी ओ दोनों का ही चलाया जा रहा है कंबाइंड टेस्ट चलाया जा रहा है जो कि ये भी चार अप्रैल से स्टार्ट है और ये इसमें टोटल तेरह टेस्ट हैं और जो चार जुलाई को ख़त्म होगी तो ये आपको इसमें पीटी के टेस्ट में आपको इसका डिस्कशन और आपका एक्सप्लेनेशन सब कुछ अवेलेबल किया जाएगा जो नॉर्मल फी है वो रखा गया है और सभी इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं ये डबल एट डबल जीरो नाइन एट वन जीरो नाइन फाइव फोर ज़ीरो ये सभी कॉन्टैक्ट नंबर हैं आस्थाई एस के पटना सेंटर दिल्ली सेंटर कहीं से भी संपर्क करके इन सबको यहाँ से परचेज कर सकते हैं और टेस्ट क्लास सभी में ज्वाइन कर सकते हैं धन्यवाद